आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। आपने पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे कि प्लस टू कॉमर्स स्ट्रीम से करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कनाडा में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इजिली जॉब मिल जाएगी, वर्क परमिट मिल जाए और साथ में आपकी पीआर में हेल्प हो जाए। तो जो कोर्सेज मेरी लिस्ट में है, उन सब कोर्सेज की आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। कहीं 5.5 है किसी कॉलेज की, किसी कॉलेज की 6 है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोर्स सिलेक्ट करने से पहले आप प्लीज 6 ईच एंड 6.5 ओवरऑल बैंड स्कोर ले लें, ताकि आपके वीजा अप्रूवल में कोई दिक्कत ना आए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉन्टेक्ट दूंगा, जहां से आप अपनी प्रोफाइल का फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं विदाउट एनी कोर्स, और वो आपको बता देंगे कि आपकी प्रोफाइल आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपके लिए स्टेबल है कनाडा में, जिसके में आपके वीजा आने के चांसेस ज्यादा है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला कोर्स है वो है बिजनेस ह्यूमन रिसोर्सेज। ये एक 2 साल का डिप्लोमा है। अगर इसकी हम फीस की बात करें तो $16,000 से $17,000 के बीच में रहती है। और इस कोर्स के लिए आपको सबसे जो बेस्ट कॉलेज है वो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है, और साथ में आपके प्लस टू में मैथ और इंग्लिश में 60% होने बहुत जरूरी है अगर आप ये कोर्स कनाडा में करना चाहते हैं। उसके बाद जो अगला कोर्स है वो है बिजनेस अकाउंटिंग। ये भी एक 2 साल का डिप्लोमा है। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो कंपेरेटिव टू अदर कोर्सेज इसकी थोड़ी कम है। इसकी आपको $15,000 से $16,000 के बीच में मिलेगी, और ये इसके लिए मेरी लिस्ट में सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है सैनिका कॉलेज। उससे अगला कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि एक 2 साल का डिप्लोमा है। इसकी फीस भी $14,000 से $15,000 के बीच में रहती है। आपके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 12th में 60% होने चाहिए। और जो इसके लिए सबसे अच्छा कोर्स है मेरी लिस्ट में वो है सेंटेनियल कॉलेज। उसके बाद जो अगला कोर्स है वो है बिजनेस फाइनेंसेस। ये भी एक 2 साल का डिप्लोमा है। इसकी फीस भी $15,000 से $16,000 के बीच में रहती है। और सेम रिक्वायरमेंट है कि आपके प्लस टू में 60% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में इसके लिए जो अच्छा कॉलेज है मेरी लिस्ट में है वो डगलस कॉलेज, जो कि काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद जो अगला कोर्स है वो है बिजनेस मार्केटिंग, जो कि 2 साल का डिप्लोमा है। इसकी फीस भी $15,000 से $16,000 के बीच में रहती है। इसके लिए आपके पास प्लस टू में मैथ एंड इंग्लिश होना जरूरी है, जिनके अंदर 60% मार्क्स हो। और इसके लिए जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने अगर 3 साल का कोर्स करना है कनाडा में, तो वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी भी फीस आपको $15,000 से $16,000 पर ईयर होगी, और आपके प्लस टू में सेम रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में 60% मार्क्स होने चाहिए। और सबसे अच्छा कॉलेज की अगर बात करें तो हम्बर कॉलेज इसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर बैचलर डिग्री की बात करें तो आप कर सकते हैं बैचलर्स इन पब्लिक रिलेशंस, जो कि एक 4 साल की डिग्री है। इसकी फीस है वो $15,000 पर ईयर के नियर अबाउट रहती है। बट इसकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपके 65% होने जरूरी है प्लस टू में, और इसके लिए भी आप हम्बर कॉलेज विजिट कर सकते हैं। हम्बर कॉलेज इसके लिए काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आप एक कोर्स कर सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो कि 8 सेमेस्टर का डिप्लोमा है। काफी एक्सपेंसिव कोर्स है, अबाउट $18,000 to $19,000 पर ईयर इसकी फीस रहती है। और इसकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपके प्लस टू में मैथमेटिक्स में 60 और इंग्लिश में 65% होने जरूरी है, और इसके लिए भी हम्बर कॉलेज अच्छा कॉलेज माना गया है। और दोस्तों, ये तो थे मेरी लिस्ट में कुछ अच्छे कोर्सेज जो कि आप प्लस टू कॉमर्स के बाद बात कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज मेरी लिस्ट में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि वो कोर्सेज अच्छे नहीं है या फिर आप वो कोर्सेज ले नहीं सकते। बहुत सारे कोर्स हैं, बट ये वाले कोर्सेज मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। और साथ में अगर कॉलेजेस की बात करें तो जो कॉलेज मैंने बताए वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे हैं, बट ये वाले कोर्सेज आप बहुत सारे कॉलेज में मिल जाएंगे आपको। और आप वहां जहां पर आपकी सिचुएशन आपके लिए बेटर है कि यहां पर मैं जाना चाहूंगा, ये मेरे लिए सिचुएशन बेटर है, तो वहां के लिए आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका वीजा आने के चांसेस उतने ही है जितने इन कॉलेजेस में है। और साथ में मैंने वीडियो में पहले आपको बोला था कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो ये जो साइड में स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो आप इनको SMS करके या इनके कॉल करके या इनको विजिट करके इनसे बात कर सकते हैं कि हमने हमारी प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है। आप मेरा नेम ले सकते हैं और या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी इनके साथ कॉन्टेक्ट करवा दूंगा, जहां से आप अपनी प्रोफाइल का फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मली एजेंट साइड कुछ चार्जेज करते हैं। मेरा दोस्त है तो मुझे ये ऑफर मिला था फ्री में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर देता हूं, तो आप इन लोगों से अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा सकते हैं।
और आगे आने वाली वीडियोस में और कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, और इन मैं कोशिश करूंगा कि इन कोर्सेज पे एक डिटेल में पर कोर्स एक वीडियो बनाने की कोशिश करूं और मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिल जाए और यहां आने के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वंस अगेन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।